हर हर महादेव दोस्तों, आज नो हाय नो हेलो, क्योंकि आज है सावन का चौथा सोमवार और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। और मैंने डैडी को कल रात को ही बोल दिया था कि डैडी आप सुबह मंदिर जाओ तो मैं आपके साथ में मंदिर चलूँगी। तो अभी मैं और हर्षु जा रहे हैं डैडी के साथ मंदिर, तो फटाफट से हो लेते हैं रेडी। तो फटाफट से मैं उठने के बाद फटाफट नहाने गई और फिर नहा के सीधा हेयर कॉम वगैरह करके हम लोग सीधा मंदिर के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और बाहर जो है मौसम सुबह सुबह का तो अच्छा लगता है, लेकिन लग नहीं रहा कि आज कोई बारिश वगैरह होगी। जिस तरीके से सावन में लगता है ना कि बारिश वारिश होती है, उस तरीके से मौसम नहीं लग रहा, लेकिन सुबह सुबह का मौसम तो सभी को अच्छा लगता ही है। तो यहाँ पर डैडी प्रसाद तैयार कर रहे हैं वहाँ पर बैठने के लिए। चिकू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चिकू। ये प्रसाद बांट देंगे डी, है ना? ठीक है, बाकी का प्रसाद तक का चला गया ना। लो, हर्षु तैयार हो गया। हर्षु, मम्मी हर्षु कहाँ है? अरे फोन चार्ज में लगा, फोन करते हैं ना। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल भोले बाबा की जय। गाइस, सुबह सुबह मंदिर जाना कितना अच्छा लगता है ना, सुन कितना अच्छा हो रहा है। हाँ डैडी रख दी। तो सुबह सुबह का मौसम था और हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो बहुत ही अच्छी एकदम बोलते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आना, वो वाली चीज़ हो रही थी हम लोगों के साथ में। तो ये साइड से ना एक अलग तरीके से रास्ता बना दिया था, जो भी जितने भी लोग आ रहे हैं मंदिर जा रहे हैं उन लोगों के लिए एक अलग से रास्ता बना दिया था, उसको क्रॉस करके कोई भी रोड पर ना चले, क्योंकि काफ़ी सारे व्हीकल्स वगैरह चल रहे थे इस चक्कर से। तो मैं दूर से दिख रही थी कि तो इस सावन के सोमवार में पहली बार मैं आई हूँ मंदिर, अभी तक पहला दूसरा तीसरा सोमवार में नहीं आई, तो मैं पहली बार देख रही थी कि किस तरीके से डेकोरेट किया गया है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा एंट्री गेट लग रहा था ये, और काफ़ी भीड़ भी थी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अंदर जा कर के वीडियो थोड़ा कम बनाऊँगी, क्योंकि भीड़ में हो सकता है कि चोरी वोरी होने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ले रहे हैं प्लेट, तो अभी ये मैंने शूट किया है तब का जब हम लोगों ने पूजा वूजा कर ली है, और काफ़ी भीड़ थी गई, इस चक्कर से मैं आप लोगों के लिए अंदर वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। तो आप देख ही रहे होंगे खुद, हम लोग एक कोने में खड़े हुए हैं, पूजा वगैरह करके हम लोग एक साइड में आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब आप लोगों को दूर से दिखाऊंगी मैं। और काफ़ी भीड़ तो रहती है, आप तो जानते हैं सावन के सोमवार में हर जो भी मंदिर है सभी पर भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। तो अब हम आए हैं न्यू पुष्पक मिष्ठान भंडार पर, तो यहाँ पर डैडी हर्षु को खिला रहे हैं बेड़े, और डैडी को कुछ प्रसाद भी लेना था, वो प्रसाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी डैडी ने प्रसाद लिया था। और हर्षु सोच रहा था कि शायद वो मुझे चिढ़ाएगा बेड़े दिखा करके, लेकिन मैं नहीं चिढ़ी,
गाइस होता है ना कि एक व्रत वाले दिन ना एक अलग ही फीलिंग हो जाती है, मतलब ये सब चीज़ खाने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है कि मतलब फास्ट है यार, मतलब क्या ये सब चीज़ें तो खाते ही रहते हैं। तो ये सोच रहा था कि ये मुझे चिढ़ाएगा और इसलिए ये हंस रहा था। मम्मी जी देख रही है कोई व्रत नहीं है। क्या बात है, मेरा वीडियो बना दी। हे गाइस, तो हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और अब फ्रूटी और मैं जा रहे हैं घर के पीछे वाले मंदिर पर। और तो मैं अपनी प्लेट लगा देती हूँ पूजा की। आप सोच रहे होंगे ना, मैं इतनी बड़ी भगवान की भक्त हूँ कि अभी अभी एक मंदिर से आ रही हूँ और दूसरे मंदिर जा रही हूँ। तो गाइस मैं चली प्लेट लगाने के लिए, क्योंकि अब थोड़ी देर में फिर मुझे आना आने वाला है। जब आना आ जाता है तो कुछ कर, उससे पहले मैं सोच रही हूँ अच्छे से पूजा हो जाए, उसके बाद मैं आराम करेंगे। आप लोगों से मैं अमृत टूटा हुआ पेड़ पे से कहाँ टूटा है पेड़ पे से टूटा हाँ ये बाहर से अमृत टूटा है जरूर गहरी गिरा गई होगी हाँ ले आज वैसे भी फास्ट है बोले और ने हमें प्रसाद दे दिया हाँ पुष्पक की बीड़ी खाइए पुष्पक की बीड़ी क्या नहीं खाऊं तो लस्सी पीते हैं तो गाइस ये लस्सी नहीं है ये माँ का प्यार है और यहाँ फूटी अर्शु को मैंने काम पे लगा दिया है ये दोनों बहुत काम चोरी दिखाते हैं मैंने कहा चलो आलू को छीलो आए बड़े क्या तो अर्शु बहुत अच्छे तरीके से आलू को छीलता है कल से हम इसकी एक दुकान पर बात कर आएंगे पूजा। तो मंदिर से आने के बाद डैडी ने फूल वूल लिए थे और वो सब फिर फूल वगैरह नारियल वगैरह लेकर के सब घर पर आए फिर डैडी कर रहे हैं पूजा। तो गाइस करते हैं ब्लॉग का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना कमेंट करना। ऐसे ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव गाइस।